अरे यार बिट्टू, तो क्या बताऊं यार, मेरे घर के इन्नत मेरी बिल्कुल मट्टी पलीत कर रखी। हमारे घर गिनती कुल 5 पलंग है और आज हमारे घर आ गए 8 मेजबान। तो वे पूरे मेजबान तो वे पलंगन पे सो रहे हैं और घर के सो रहे हैं जमीन पे। और मोह से कह दे तू जाग सोफा आप सो जाओ, और मोह तो पता हो इन्ना गद्दा का लेप भी नहीं दे कहीं लाए, ऐसे ही पड़ो रही है। अच्छा छोड़ो ना यार तुम मेरे साथ, तुम तो एक किस्सी दे दो बस। किस्सी? हाँ किस्सी। मतलब चुम्मा, मतलब पप्पी, मतलब कुल मिला के तो चाहिए किस्सी। हाँ हाँ किस्सी। अरे मेरे बाबू, बाबू सुन, जब फोन पे चुम्मा चाटी के मुँह से मत करिए डॉन, क्योंकि तू बहुत अच्छे जाने और तो बहुत अच्छे पता हो कि आई एम कौन। कौन? अरे यार बिट्टू, तू अब तक समझ ही नहीं पाई। देख मैं हूँ बहुत ज्यादा संस्कारी और बहादुर आदमी, और मान की चल अगर मैंने तो पप्पी दे भी दई, मान की चल के अगर मैंने तो पप्पी दे भी दई, तो तू जा समझ ले पप्पी सीधी जागी सिम कंपनी वाली मैडम का उते ऐसे बा मैडम बा पप्पी ऊंटे झूठी करके तो दे दे। अरे यार बाबू तू समझू कर यार, तू समझे ही तो नहीं मेरो बिना मतलब को प्यार। और रही बात बहादुरी की, तुझे समझ के गन्ना के खेत में तपती हुई रेत में बारिश में गेट में दोपहरी के चेत में पुरानी हवेली में तपती हुई दोपहरी में सारी सहेली में और बोंगा की डेरी में हर जगह पप्पी ले सकूं मैं, पर ऐसे पप्पी में लंगो नहीं और फोन पे पप्पी में दंगो नहीं, बिकॉज आई एम संस्कारी आदमी। देख बिट्टू अपन है संस्कारी आदमी और अपने का पतो के अगर अपने का पप्पी लेना तो तू एक काम कर, तू मिल मेरे का सुबह पप्पू के खेत में। पप्पू के खेत में क्यों? अरे जे फोन मोन पे पप्पी दे रन को काम, तू मिल पप्पू खेत में सुबह मेरे का, अबे सो जान दे लेकिन गुड नाइट कछू जो कसरिया ना जाई मैं घुस के सो जाऊँ यहाँ। एक टाइम भी होगा। ले आजा, आजा 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 बैठ, जल्दी बैठ, फटाक से बैठे। देख डार्लिंग, बिना टाइम बर्बाद करे फटाक से दे दे। जो का कर रहा है तुम? पप्पी नहीं देगी। बात तो मैंने फोन पर कही थी, कौन आमने सामने की कही थी? तो आमने सामने दे भी हो रहा, तो आमने सामने ब्याह के बाद दे। अरे तो बिट्टू भाई तो मैं तो समझा रहा हूँ तो यार कि पप्पी लेवे का करनो पड़े ब्याह, जब तुम उस रात के फोन पे पप्पी मांग रही थी, ऐसा अच्छा लगे का यार ब्याह हो नहीं और पहले ही पप्पी, क्योंकि अगर अपन ने ब्याह से पहले पप्पी ले ली और बाद में अगर ब्याह नहीं करो तो फिर मोड़ी कहेगी यू यूज्ड मी, तुमने मेरा फायदा उठाया इस्तेमाल किया फलाने टाइम का। तो कर लेंगे ना ब्याह, उनमें क्या दिक्कत है? अरे यार ब्याह शादी करवो कोई मजाक है? तू पता कितनी मेहनत करनो पड़े ब्याह करवे का है। कितनी मेहनत करने पड़े? अरे यार तू अब जही पातो नहीं, देख ध्यान से सुनी मैं बता रहा, पापा को मनाओ मम्मी को मना लो और बिनते हाथ जोड़ के कहो कि हम दो एक दूसरे से प्यार करे हमरो ब्याह करा दो, और जैसे तैसे अगर वे मान भी गए तो फिर वे कहेगे कि शादी को सीजन है महंगो पड़ेगो, जामन के पत्ता से मड़वा गले हो ना ही निछावर से आगे बढ़ेगो, बेटा तू जा तो समझ के खर्चा कितो बढ़ेगो। अगर घर वाले मान गए और धूमधाम से शादी करवे तैयार हो गए फिर? अरे फिर तो जा समझ लो मजा ही आ गया यार। कैसे? अरे तेरे साथ बड़े सपना देखे यार मैंने ब्याह करवे के, तू तू ध्यान तू इमेजिन कर देख, मैं तो बताऊं कि जामन के पत्ता से मड़वा घले गो ना ही निछावर से आगे बढ़े गो, भाभी के हाथों से हल्दी पिसेगी और जीजी भुआ जी फिर हल्दी मलेगी, जीजा की मेहनत तो दूल्हा है रेडी, सियाने बूढ़े ने अब तो दुआएं भी दे दी, मम्मी की आंखों में यादों का पानी, गोदी में बचपन अब देखी जवानी, घोड़ी पे दूल्हा है डीजे पे यार, और बरातीन में देखो नशेड़ी इनकी लंबी कतार, बरातीन ने खाखा पलेटें बिछा दी और फूफा ने खाने में कमियां गिना दी, फूफा ना रूस है तो शादी अधूरी, बिगन में कमी थी जो हो गई है पूरी, सहेली में दुल्हन है दुल्हन में प्यार, और स्टेज के नीचे देखो दहेज में दही थार, अब फेरा भी पड़ गए और रस्में भी हो गई, अधूरी थी साथ कस्में भी हो गई, अब प्यारी सी दुल्हन जा अपनी सी हो गई, बेटी है जिसकी वो बापू महान, बापू ने किया आज कन्या का दान, और एक लाइन तो मैं भूल ही गया,
कौन सी? के मांग भरे से बड़े दुल्हन की सांसें, दूल्हा के देखो तो हाथ हैं कांपे। फिर? अरे फिर का, अब घड़ी में बज रहा है 5 और विदाई की घड़ी आ गई। मोड़ी के बापू कह रहे कि चलो 3 और बची, 1 तो ब्याह गई। फिर? अरे फिर का, ब्याह होगा मोड़ी को, मोड़ी की विदा हो गई, मोड़ी अब बापू की नहीं, बात दूल्हा की निजी लुगाई हो गई। अब ले लो कितनी पप्पी ले लो। अरे बा यार, तुमने तो बातों ही बातों में अपना पूरा ब्याह करवा दो। होगा ना अपना ब्याह? हाँ। है ना? हाँ तो अब एक काम कर, पप्पी दे दे। ब्याह के बात की कही थी तूने? तो बातों ही बातों में ब्याह भाव। अरे यार तूने एक तो मेरे का रात का फोन लगा के लई के यार पप्पी चाहिए पप्पी चाहिए। मैंने सोची यार वे फोन मोन पे पप्पी तो ऐसे ही मोड़ा मोड़ी, इनको काम है वो, अपन तो लेजेंड आदमी, अपन आमने सामने लंगे, और तू फिर जहाँ जगह आके संस्कार और जेबे बातें करने लगी। तो तू एक काम कर, संस्कारी वारी पप्पी दे दे यार, अब खाली हाथ जाऊँ अच्छे नहीं लगे। कैसे? संस्कारी वारी मुझे पत्ता आप दे रहा, तू ले ली ठीक है? हम घर जाके ले ले। मतलब घर जाके ले, सामने नहीं ले। और सुन पापा तेरे बात कर लई है, मैं तो सही ब्याह करूँ चाका चू हो जा, और अगर तेरे घर के नोर के तई कर दा नहीं, और अगर ये जट पिघल गए तो लाखों को ले डूबेगा, समझ लईये तू? देख मैं पहले ही समझा रहा तू। तो शादी की बात करवे पहले तुम आओ ना घर है। देख मैं तेरे घर तो आ जाऊंगा बात करवे, लेकिन अगर तेरे पापा ने मुझे ज्यादा चूचा पड़ करी और मना करी मुझे के नहीं मैं नहीं दे सकू मेरे मोड़ी हाथ तेरे हाथ में, तो मैं भी इनसे डायरेक्ट यही कहूंगा कि काजल अगर इस चौगट से बारात निकली तो डोली की जगह अर्थियां उठेंगी, अर्थियां, और अर्थी भी सबसे पहले उसकी उठेगी जिसके सर पे सहरा होगा, लाशें बिछा दूंगा लाशें, समझा दे तेरे पापा ठीक है? काजल कौन है? अरे मैं तेरी कह रहा यार, काजल की जगह प्रीति कर ले, कि प्रीति अगर तेरी चौकट पे बारात निकली तो डोली की जगह अर्थियां उठेंगी, अर्थियां, और अगर नहीं उठा पाए अर्थी मैं भाई रोऊंगा सही में यार, आई लव यू। करी ली बात? हाँ कर ले। तो तू हंस क्यों रही? मैं रो रहा, तू हंस रही यार? तुम चिल्ला रहे फालतू, तो हंसी नहीं आ है। अरे यार मैं जा रहा यार, तू ऐसे ही दिमाग खराब करे। अरे सुनो तो, अब का कह रही? सुनो तो, तुक्का के उचा रही जल्दी के। अरे मैं जे बोल रही थी कि मैं रिच हूँ। रिच भालू है तू? रिच है तू? तू जाके बुलाए तू रिच है? अरे पागल, रिच का मतलब अमीर। हाँ अमीर तो तू है यार, तो क्या करूँ तेरे घर चोरी कर लूँ। अरे जी नहीं बोल रहे थे, जी बोल रहे थे कि हम अमीर है तुम गरीब हो, तो फिर पापा कैसे माने हम और अमीर है? के दही नहीं आखिर तूने आज मुझे गरीब के दही नहीं, मतलब तेरो के बेक मतलब के ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, लेकिन तू याद रखिए प्रीति आखिरी में देखिए तू मेरे घर है मेरे पर्सनल तवा पे रोटी सेकेगी, और अगर तू जला दई और जो जट अगर बिखरगा तो फिर कभी कभी प्यार में जड़ भी दऊं मैं। मतलब तुम हम पे हाथ उठे हो? यार वो तो उठानो ही पड़े होगा, रोटी मोटी जला गई तो। चलो ठीक है तो हम जा रहे फिर। देख ए रुक जा, ए ए नहीं रुक रही, ठीक है नहीं ठीक है, जा जा तू जा जा जा, जा। देख लंगो मैं, तूने मोए एक दान बुलायो के सुनो तो मैं तुरंत लौट के आगा, आगा नहीं, लेकिन मैं तो उसके राह के रुक जा, तू नहीं रुकी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अब बदला लंगो एक एक बात को बदला लंगो, ठुकरा के मेरो प्यार मेरो इंतकाम अब तू देखेगी जय समझ ले तू, क्योंकि तू का कर रही मैंने तो उसके ही रुक जा, तू नहीं रुकी और तू लौट के आ मत जाई, देख मैं तो उसके रहा तू ने कर ही ले अब ठीक है, और अब मैं भी जा रहा सीधे तेरे बापू का नहीं जाऊँ कंगो, हम दो ही लगे पड़े 2 साल कर रहे खुद कर दो ब्याह, फोन भी ले गई खुद को। आखिर आ गई ना लौट के अपने प्यार के पास, देखी मेरे प्यार की ताकत, अब गले लग जा मेरी जान। अरे कोई मैं वापस वापस नहीं आई हूँ, ये तुम्हारा प्यार पत्ता और पप्पी अपने पास ही रखो। इतने सुन, लौटा तो दा तूने जो प्यार पप्पी और पत्ता, याद रखिए हला दंगो मैं तेरे खानदान की सत्ता। अमीर बन के दिखाऊंगा, इट्स माय प्रॉमिस। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और दोस्तों के साथ फैमिली के साथ परिवार साथ सबके साथ शेयर कर दो, और हमें बताओ कि जब कहानी अपन कितनी आगे ले जाए, मतलब अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो अपन इसके आगे के एपिसोड बनाते हैं,
और नहीं आ रही पसंद तो कमेंट में लिख दो कि भाई ख़त्म करो इसको यहाँ पे, फिर किसान नाइन तो आएगा ही अपना, और बाकी देखते हैं अगला क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। ठीक है, जय राम जी।